हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े, आलू के, प्याज और पालक वाले पकोड़े। इसके लिए मैंने लिया है, यहाँ पे मसाले हैं, ऑयल है और ये है बेसन। और पालक हम तोड़ेंगे अपने गमले से फ्रेश। तो आइए हम लोग पालक तोड़ने चलते हैं। आइए हम चलते हैं पालक तोड़ने। यहाँ से हम मिर्चें तोड़ लेते हैं। ये देखें कितनी फ्रेश और कितनी अच्छी लग रही है। अभी हम तोड़ के पकाएंगे तो इसका जायका ही अलग होगा। ये देखें, तो आइए चलते हैं फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले मैं ऑयल डाल देती हूँ ताकि ऑयल गर्म होता रहे। अब हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी पहले आलू की। यहाँ छिलका मैंने छील लिया, अब मैं आलू के स्लाइस बना लूँगी। यहाँ आलू की कटिंग कर ली, अब मैं इसके अंदर पानी डाल के रख दूँगी। अब प्याज की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं काट लूँगी अब लच्छे वाली प्याज। ये देखें, ऐसे हमने लच्छे वाली प्याज काटनी है, थोड़े मोटी काटनी है। अब मैं काटूंगी बैंगन को। अब मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ प्याज की। अब प्याज काट लेते हैं।
यहाँ मैं मिर्चें काट लूंगी। अब पालक काट लेते हैं। कर ली है प्याज की और मिर्चों की, पालक की। अब मैं पहले बेसन फेंट लेती हूँ। यहाँ मैंने बेसन डाल दिया, अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। यहाँ मैं पहले डालूंगी हल्दी, यहाँ मैं डाल रही हूँ पिसी मिर्चें और नमक, साथ में हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने मसाले डाले, अब हम फेंट लेंगे बेसन को। यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। ये देखें जितना हमारा बेसन अच्छा फिटा होगा, इतने अच्छे हमारे पकोड़े रेडी होंगे फूले फूले से। पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू वाले, तो तेल भी हमारा देख लें अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे हम कलर देख के फिर इसको चेंज करेंगे, ताकि ये एक दफ़ा में ही पक जाए, हमें बार बार इसको पलटना ना पड़े। यहाँ पकोड़े हमारे रेडी हो गए, अब हम निकाल लेते हैं। बैगन के पहले रेडी कर लेते हैं।
यहाँ मैं बैगन के पकौड़े रेडी कर रही हूँ। आप लोग ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने डाला था स्टेशन का ब्लॉग, क्योंकि अम्मी गई हैं सिस्टर के घर भावलपुर। अम्मी बहुत शौक़ से खाती हैं बैगन के पकौड़े, अभी अम्मी होती तो खाती, तो इस टाइम हमें अम्मी बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, जब अम्मी आएंगी तो जब अम्मी के लिए बना देंगे। यहाँ बैगन के पकोड़े रेडी होंगे, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं कर लेती हूँ प्याज वाले, ये देखिए प्याज के मैंने ऐसे अच्छे काटे। यहाँ ये भी रेडी हो गए हैं रिंग वाले पकोड़े प्याज के, हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ रेडी करेंगे पालक वाले। तो यहाँ हम बना रहे हैं मिर्चों वाले पकोड़े, इसका मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने कट लगा ली है मिर्चों में। लेमन कट कर लिया, अब मैं पहले चाट मसाला डालूंगी। थोड़ा सा हमने चाट मसाला ले लिया है, इसमें मैं लेमन ऐड कर दूंगी ताकि मसाला हमारा हल्का सा गीला हो जाए। ये देखें अब मैं इसे मिर्चों में भर लूंगी मसाले को ऐसे खोल के। ऐसे ही हम दूसरी मिर्ची में भी भर लेंगे। यहाँ देखिए पालक का कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बहुत ही क्रिस्पी सी हमारे पकोड़े रेडी होंगे, ये देखें। अब दूसरे साइड से हम इसको कलर दे देते हैं। और ये देखें यहाँ पे मिर्चों को मैंने मसाला लगा दिया है। यहाँ देखें पालक के हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं।
अब हम कर लेंगे मिर्चों के रेडी। इसको अच्छे से बेसन के अंदर कोट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने मिर्चों पे बेसन लगा दिया है सही से। अब हम इसको यहाँ देखिए हमारे मिर्चों के पकोड़े रेडी हो गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब हम रेडी करेंगे प्याज वाले पकोड़े। यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ प्याज, पालक और मिर्चों के पकोड़े। ये देखिए यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर लेती हूँ। मसालों में हम डालेंगे नमक, हल्दी, पिसी मिर्चें, साथ में यहाँ पे जाएगा जीरा। और साबुत धनिया थोड़ा सा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेती हूँ। पालक और प्याज वाले पकोड़ों का मसाला मैंने रेडी कर लिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छी तरीके से हमने ये फेंट लिया था। यहाँ हम साइड चेंज कर देंगे। यहाँ हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, जो है उड़द की दाल के पापड़। ये हम फ्राई कर लेते हैं।